हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप सबका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो अभी बजा है सुबह का 4:30 और अभी ना हम लोग उठ चुके हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं घर। और अभी बस सो के उठे थे, तैयार हुए, नहाया वाया है नहीं, तो बस अभी हम और दीदी तैयार हो चुके हैं, बस अभी निकल रहे थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा ठंड है तो चलो अभी चलते और आगे आपको दिखाते हैं। सो अभी तो सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। सो गाइज़, अभी हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए और ये अभी घर से सीधे जाएंगे स्टेशन क्योंकि हमारी ट्रेन है। और बस और अभी ना मैं आपको बताना भूल गई थी, जब मैंने इंट्रो किया स्टार्टिंग की थी ब्लॉग की, तो मतलब हम लोगों ने ना अचानक से प्लान किया था। मुझे भी नहीं पता था, दीदी ने अचानक से टिकट वगैरह सब बुक कर लिया था, मुझे भी नहीं पता था। दीदी ने रात में बोला कि पैकिंग कर लो, सुबह जाना है, तो बस फिर इसी वजह से जल्दी जल्दी नहीं बता पाई। पर अब मैं आपको आराम से बता रही हूँ। तो मम्मी पापा कैंडी तन्नो दीदी किसी को भी मतलब कोई भी आइडिया नहीं था कि हम लोग आज आ रहे हैं, और उनको बिल्कुल मतलब एक सरप्राइज टाइप का था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था क्योंकि हम लोगों ने किसी को भी बताया नहीं था, सुबह भी फ़ोन नहीं किया था कि हम लोग आज आने वाले हैं। और बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि सर्दी का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड थी। जैसे स्टेशन पे कार में तो एकदम नॉर्मल मतलब ठंड नहीं लग रही थी, पर जब कार से उतरे स्टेशन पे भाई साहब इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो दीदी ने ज़बरदस्ती मेरे कैप लगवा दी क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं जुकाम ना हो जाए, खांसी ना हो जाए, इस वजह से ज़बरदस्ती मुझे कैप लगानी पड़ी। पर कोई बात नहीं, और थोड़ा सा कवाड़ी भेस भी बना मेरा, पर कोई नहीं, सर्दी से बचने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो बस और हमारी ट्रेन खड़ी थी, मुझे लगा ट्रेन आएगी पर दीदी ने बाद में बताया कि ट्रेन हमारी खड़ी है। तो बस हमारी ट्रेन खड़ी थी और हम लोग और फिर हम लोगों ने अपनी सीटें ढूंढी। और ट्रेन में इतना ज़्यादा अंधेरा था क्योंकि सब लोग सो रहे थे, और सब लोग मतलब एक साइड से सो रहे थे, जितने भी लोग थे सब सो रहे थे, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। फिर उसके बाद मैंने चाय पी, चाय भी अंधेरे में ही मैंने आपको दिखा दी क्योंकि मैंने सोचा लाइट जला देते हैं, पर बाकी सब लोग भी सो रहे थे तो मुझे लगा कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, खिड़कियाँ वड़कियाँ सब बंद थी इसलिए ज़्यादा रोशनी भी नहीं आई थी। फिर सुबह टाइम थोड़ी रोशनी आई, तब मैंने थोड़ा बहुत दिखाया। और इसके बाद फाइनली बहुत देर बाद हमारा स्टेशन आ चुका है और हम लोग उतर चुके हैं। कृपया ध्यान दीजिए, कोलकाता से आने वाली आगरा कैंट को जाने वाली गाड़ी संख्या 1-3 मैं चिप्स नहीं दूंगी। गाइज यही था मिनी ब्लॉग आने का और सरप्राइज का, तो बस इसके आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।